लॉकडाउन 4.0 या एग्जिट प्लान। आज दो चरणों में मुख्यमंत्रियों संग चर्चा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर बात करेंगे। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली यह पांचवी बातचीत होगी जो कोरोना और लॉकडाउन को लेकर होगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लगे लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण 3 मई को लागू किया गया था जिसकी अवधि 17 मई को खत्म होनी है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। कोरोना संकट के बीच पीएम और सीएम के बीच होने वाली यह बैठक पांचवी बातचीत होगी जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली यह पांचवी बातचीत होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री के अलावा केंद्र के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली चर्चा पिछली बैठकों से अलग होगी। इस बार 2 सेशन होंगे जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा। पिछली बैठकों में 10 से 11 मुख्यमंत्री ही अपनी बात रख पाते थे क्योंकि समय कम होता था। आज यह बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी जो पहले शाम 5:30 बजे तक चलेगी। उसके करीब 30 मिनट का ब्रेक होगा जिसके बाद फिर से बैठक शुरू होगी और जब तक चर्चा चलेगी तब तक चलेगी। बताया जा रहा है कि चर्चा के लिए करीब 6 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। आज होने वाली बैठक में हर किसी की नज़र इस बात पर होगी कि 17 मई के बाद क्या होगा। क्या देश में लॉकडाउन 4.0 लागू किया जाएगा या फिर मौजूदा प्लान के साथ एग्जिट लिया जाएगा। अभी भी कई जिलों को जोन में बांटा गया है, क्या लॉकडाउन जोन के हिसाब से होगा। इस तरह का कई सवाल हैं जिनका हल इस बैठक में निकल सकेगा। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस की ओर से कई तरह की मांग की गई है जिनमें अपील की गई है कि प्रधानमंत्री को देश के सामने 17 मई के बाद का प्लान रखना चाहिए। क्या लॉकडाउन लागू रहेगा या फिर देश को खोलने पर विचार किया जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।